आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सबको, बहुत आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। We're excited for what you have for us, Sarmad. Take it away. हाँ, एज अपोज टू द नोशन के एक्टर्स और परफॉर्मर्स बड़े कोई बेशरम से लोग होते हैं, तो आई हैव टू एडमिट कि मैं काफी शर्म आती है मुझे कैमरे के ऊपर। दैट्स व्हाई मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ था, बट आई वाज और जूम से मैं खासा कुछ अरसे से नालां और थक चुका था, बट आई डिडंट नो दिस वाज पॉसिबल विद दिस इंटरेस्टिंग ऐप। सो इट्स बीन अ शेयर प्लेजर लिसनिंग टू दीज Fabulous artists and you. So, जी, before I go into the story that I want to read, दो तीन बातें छोटी छोटी से बताना चाहता हूँ कि जब भी दास्तान की बात होती है, कहानी की बात होती है, तो मेरा ख्याल है वो हमारी बचपन की मेमोरी का एक ऐसा हिस्सा है। खास तौर पे पता नहीं, आई होप आजकल भी लोग सुनाते हों, लेकिन मैंने तो बहुत सुनी है। और इसेंशियली फिल्म बनाऊं, ड्रामा बनाऊं या थिएटर करूं, मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे मैं एक कहानी सुनाने वाला इंसान हूं और मैं कहानियां ही सुनाता हूं। तो जंप करता हूं पंजाबी की तरफ। एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत लायक फायक, उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। तो उन्होंने एक अपने आर्टिकल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी कि पंजाबियों को अपने करतूत पे उतनी शर्म नहीं आती जितनी अपनी जबान पे आती है। तो ये कुछ एहसास काफी सालों से मुझे हो भी रहा था, और चंद साल पहले बहुत शिद्दत से हुआ कि पंजाबी स्पीकिंग वालिदैन दोनों मेरे, लेकिन समहाउ ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारी दादी का था और वो दिल्ली की थी, तो वो उर्दू बोलती थी, तो हमारे घर में उर्दू बोली जाती थी। खैर, एनी केस, एक शर्म और शर्मसारी के एहसास से काफी बोझल होके तो मैंने फिर पंजाबी को जरा दोबारा से उससे जानकारी, उससे एक अपनाइयत जो है वो बॉन्ड दोबारा बनाने की कोशिश की। दैट रिजल्टेड इन द फिल्म दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट टुनाइट। देन एक परफॉर्मेंस मैंने की थी 24 घंटे पे मुहित, एक नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस थी, वो भी पंजाबी में की। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत शर्म आती थी, बहुत ऐसी ठंडी माठी सी पंजाबी मैं बोल सकता हूँ और बोला करता था, लेकिन फिर बाकायदा मैं यूनिवर्सिटी गया और मैंने जाके पंजाबी सीखनी शुरू की, पंजाबी पढ़नी शुरू की कि भाई एक जबान है जिससे मैं इतना फेमिलियर हूँ लेकिन उसको बोलने में एक कंफर्ट नहीं है। तो खैर, फास्ट फॉरवर्डिंग टू 2 years later, तो आज मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ बेहतर कॉन्फिडेंस आ गया है। ऑल्दो आज जो कहानी मैं पढ़ने लगा हूँ वो उर्दू की है, उसमें पंजाबी का रंग है, पंजाबी का अंग है। और जब मैंने अपने अब्बा को फोन पे आज ऐसी दो तीन जुमले मैंने सुनाए, तो मेरे अब्बा ने काफी इम्पोलाइटली मुझे यही बोला कि यार तू बड़ा सॉफ्ट बोल रहा है, असल जो तेरा मसला है तू बड़ा सॉफ्ट बोल रहा है। तो आई डोंट नो, दैट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक यू नो एन एक्रोनिम, और आई डोंट नो, लाइक अ वेरी पोटेंट एक्सप्रेशन फॉर समथिंग दैट ही सेइंग। सो मैंने कहा अब्बा सॉफ्ट क्या होता है यार, मतलब बस अब आदत, आप लोगों ने नहीं बोली, आप लोगों का मसला है, आप लोगों ने क्यों नहीं बोली? अम्मा और अब्बा आपस में बोलते थे लेकिन हमसे क्यों नहीं बोली? तो ऐसे मैंने कहा कहाँ सॉफ्ट हो रहा हूँ? तो कहते नहीं देख तू कहना बाबा। मैंने कहा जी तो बाबा ही कहते हैं। नहीं, कहते नहीं बाबा। सो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं अब कहानी में कोशिश करूंगा कि मैं बाबा बोलूं। तो इन एनी केस, जो कहानी जी, बहुत ख्वाहिश है मेरी कि खुद कहानी कोई लिखी होती और सुनाता, लेकिन मुझे लगता है इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी कहानियां लिख गए हैं, लिख रहे हैं, और चूंकि वो एक और मीडियम में लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अलल ऐलान उनकी कहानियां चोरी करता हूँ या उनसे मांग लेता हूँ, और फिर मैं उसको एक और अपने मीडियम के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। तो अपनी नालायकी के हाथों मैं इन ऑथर से बहुत अरसे तक नावाकिफ रहा, इनके काम से भी, और मेरी कोई बहुत ज्यादा शनासाई नहीं थी। तो असद मोहम्मद खान साहब इनका नाम है जी, और असद मोहम्मद खान साहब के बारे में जो इस किताब में भी लिखा है वही पढ़ देता हूँ इससे पहले कि मैं कुछ इधर उधर की आए बाएं शाएं करूँ। तो असद मोहम्मद खान जनाब 1932 में भोपाल भारत में पैदा हुए, और तकसीम के बाद 1950 में पाकिस्तान आ गए। कुछ वक्त लाहौर में रहने के बाद कराची मुंतकिल हुए, जहाँ मुलाजमत के दौरान तालीम मुकम्मल की। खान साहब की तहरीरें करीब करीब अदब की सभी असनाफ में मौजूद हैं, जिनमें अफसाने, शायरी, रेडियो के लिए खाके, टेलीविजन के लिए सीरियल, तवील दौरानिए के खेल, गीत और मिल्ली नगमे शामिल हैं। इनकी 21 कहानियों का अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुका है, जो
द हार्वेस्ट ऑफ एंगर एंड अदर स्टोरीज के उनवान से किताबी सूरत में शाया हुई। असद मोहम्मद खान ने अपने तवील अदबी सफर के दौरान मुतअद्दद अदबी अवार्ड हासिल किए, जिनमें पाकिस्तान का आला सिविल अवार्ड तमगाए इम्तियाज 2009 में भी शामिल है, और उनकी एक कहानी त्रिलोचन बरतानिया के ओ लेवल के निसाब में भी शामिल है, और इस वक्त कराची में रहते हैं। तो ये तो थे असद मोहम्मद खान साहब, जिनसे मेरा तारुफ बहुत रिसेंटली हुआ। और क्या लिखते हैं, कमाल लिखते हैं, एक लश्कारा आपको इस कहानी की शक्ल में होगा, लेकिन बहुत सा काम है, बहुत उम्दा काम है। और कहानी का उनवान है जी, अली गुज्जर की आखिरी कहानी। और यहाँ छोटा सा एक रेफरेंस सिर्फ गुज्जर के हवाले से मैं देता जाऊँ कि मैं लाहौर में ही पला बड़ा हूँ, तो लफ्ज़ गुज्जर बड़ा एक हमारे रैतल का या हमारे रख रखाव का जिंदगी का हिस्सा रहा है, लेकिन बड़ी मिसकंसेप्शंस रही हैं। मतलब बचपन में गुज्जर आप एसोसिएट करते थे सिर्फ ग्वाले के साथ या दूध वाला जो आपको घर में दूध देने के लिए आता है, राइट। एक और हमारे दोस्त हैं वो शक्करगढ़ के हैं, वो मुस्तनद गुज्जर हैं, मतलब बाकायदा गुज्जर हैं वो, तो वो कहते हैं कि यार गुज्जर बनना केड़ा मुश्किल काम है, बंदा 10-20 दिन ना आए तो बंदा गुज्जर बन जाता है, राइट। तो ऐसी चीजें कुछ गुज्जर के हवाले से। फिर ये कि क्या गुज्जर कोई प्रोफेशन है या गुज्जर जो है वो कोई जात है। हमारे अब्बा कहते हैं कि जिन्ना गुज्जर का प्रोटोकॉल होता है उन्ना किसी का नहीं होता, क्योंकि गुज्जर के अगे भी पंजाब मज्जा, पीछे भी पंजाब मज्जा, राइट। तो दैट मीन्स गुज्जर इज अ वेरी, और फिर जो पंजाबी सिनेमा के हवाले से गुज्जर के साथ कुछ ज्यादतियां हुई, कुछ नाइंसाफियां हुई, तो उसमें वही दिमाग में आता है जब भी कुटके जब पावे एक बार, गुजरा टाइप चीजें ही दिमाग में आती हैं, राइट। तो और गुज्जर जो है वो खड़ा हुआ होता है हमेशा, और आज मैं गुज्जर को अपनी तरफ से एक ओमाज देने के लिए बाकायदा धोती पहन के बैठा हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन अगर मुनासिब लगा तो मैं खड़े होकर दिखा दूंगा कि मैंने धोती पहन के। गुजर क्या होता है, कौन होता है जनाब, वो हम सबकी जो भी कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस, फैक्चुअल फिक्शनल जो भी हैं, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ यू नो फिनोमिनन के ऐसे लोग जो मतलब बहुत मुझे लगता है कलरफुल होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत खुले रहन सहन में रहते हैं वो लोग, तो उस हवाले से है। इट्स रिटन इन उर्दू, लेकिन उसमें एक पंजाबी का रंग नज़र आएगा आपको, और बहुत से रेफरेंसेस हैं। और कहते हैं कि जी जो दरियाओं के किनारे ख़ास तौर पर आबादियाँ होती हैं वहाँ खुसूसन कहानियाँ जन्म लेती हैं। तो कहानियाँ जो होती हैं, फोक टेल्स जो होती हैं, फोक दास्तानें, वो कहते हैं आमतौर पे दरियाओं के कंडों के ऊपर होती हैं, राइट, क्योंकि वो ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ लोग अपनी जड़ें मजबूत करके रखते हैं। तो बात पंजाब की है जी, आई एम बगैर किसी तासुब या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के वेरी प्राउड पंजाबी। तो मैं शायद अपना कहीं सॉफ्टली अगर आपको लगे पंजाबी बोल रहा हूँ तो माफ कर दीजिएगा, मेरे अब्बा भी नाला हैं, आई कैन टेक इट फ्रॉम एनीबडी जी। तो असद मोहम्मद खान साहब की कहानी, छोटी सी एक और चीज, दिस इज हाउ ही राइट्स इट। सो इन एनी केस कहानी में कहीं बयान नहीं आया कि अली जो है, अलिफ लाम छोटी ये और शद है ऊपर, तो ये इलियास से है, जैसे रशीद से शीदा होता है या जावेद से जेदा होता है या अरशद से अच्छू होता है, या ये क्या है। तो बस इसका नाम है अली गुज्जर की आखिरी कहानी। अली गुज्जर इधर अपनी कहानियों के साथ नहीं आया था, कहानियां तो उसने बाद में सोची, यहां होश संभालने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता गया कहानियां बनाता गया। पहले पहल उसे ये सब कहानियां बनाना जरूरी लगता था, लोग पूछते जो थे, बाद में उसने परवाह करनी छोड़ दी, लोगों की खैर है। कभी कभी वो दिल ही दिल में कहता एना दी खैर है, एना नू कुछ भी सुना के चुप कराया जा सकता है, एना दी परवाह नहीं करनी चाहिए। अली की कहानियां सुन के लोग चुप हो जाते थे, मगर उसे पता था कि दिल ही दिल में हंसते हैं, अंदर ही अंदर पर हंस देने माया है, हंसा करें मैनू की परवाह। एक उम्र गुजर गई थी लेकिन लोगों ने उसके बारे में पूछना नहीं छोड़ा था। शुरू में जब उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं थी, लोग पूछते थे तो वो मुंह देखता रह जाता था। चौई साहब अलबत्ता कह दिया करते थे कि भाई मजारे का बेटा है, यहां आते हुए माँ बाप दोनों मर गए, इधर ही हवेली में पल गया है। पर कुछ कहने से क्या होता है, चौई साहब कहता ही तो था, पक्के कागज पे अंगूठा तो नहीं लगवाता था। जो लोग बोले कि हाँ भाई यकीन आ गया, आप ठीक कह रहे हैं, मजारे का ही बेटा है अली गुज्जर।
असल में सब जानते थे, 15 गांव इधर 15 गांव उधर, सब जानते थे कि अली चौई साहब का बेटा है किसी रैमती के पेट से। बस ये है कि वो उसे बेटा नहीं मानता। हिजरत से पहले के जानने वाले जानते थे कि अली गुज्जर की माँ रहमती खूबसूरत थी, पर वो मजारा नहीं थी। वो चौई साहब की कुछ नहीं होती थी, यानी बहुत थोड़े वक्त के अलावा कि जब भूसे वाले उसारे की बैठक में उसे रोक के चौई साहब उसके साथ सोया था, रहमती उसकी कुछ नहीं थी। होती कैसे? आधी पागल तो वो वैसे ही थी, ऊपर से ठीक से सुन और बोल भी नहीं सकती थी रहमती। हाँ, आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी। बचपन की एक यही याद, अली गुज्जर के साथ बॉर्डर पार करके आई थी, रहमती नहीं आ पाई थी। रस्ते में वही गड़बड़ हो गई जो हजारों लाखों के साथ हुई और वो नहीं आ पाए। चौई साहब 2 किस्तों में आया था, पहले सामान के साथ नौकर चाकर रहमती और रहमती का बेटा, ये सब चले थे। रस्ते में सामान लुट गया, आदमी नहीं रहे, अली गुज्जर रह गया। 2-2.5 साल का था, किसी की नजर नहीं पड़ी होगी। जब दूसरी किस्त में चौई साहब पहुंचा तो ये गाड़ी के नीचे पड़ा रोता हुआ मिला, वो उसे उठा लाया। इधर आके जोड़ तोड़ की, कुछ क्लेम श्लेम दाखिल किए, सिखों की छोड़ी हुई ये हवेली काबू की और चौई साहब बैठ गया। माल मवेशी नौकर चाकर भी कर लिए। उन्हीं में से किसी ने अली गुज्जर की देख रेख शुरू कर दी होगी। लो जी, अली पल गया, 6 साल का हो गया। पर लोग बड़े हासिद कंजर की औलाद होते हैं। साथ के हिजरत करने वाले कुछ अभी तक हाथ पैर मार रहे थे। इधर हवेली में उनकी आन जान भी थी। उन्हीं में से किसी हासिद कुत्ते ने सिखा समझा दिया, आप जब भी अली चौई साहब को देखता तो बाबा बाबा पुकारने लगता। चौई साहब पहले तो खिसियाया, परेशान हुआ, बाद में उसने गुस्सा भी किया। प्यार से अकेले में समझाया, पुत्र मैं तेरा बाबा नहीं, वो कोई और था, गुजर गया। 6 बरस का अली गुजर ना क्या समझता, किसी से पूछा उसने गुजर बता दिया होगा, या अली को अली गुजर कह के बुलाया होगा। बस यहीं से अली को कहानियां सुनाने और बनाने का ख्याल आया। उसने बाप के ना होने और चौई साहब के बुरा मनाने के बीच एक रास्ता निकाला और पहली कहानी ये बनाई कि उसका बाप बख्शा गुज्जर था, जो बाद में चौई साहब का बताया हुआ मजारा और रहमती का आदमी बना। फिर ये बख्शा गुज्जर मजारा भी हिजरत के दौरान सबके साथ फौत हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ रिश्ते और चीजें समझ में आती रहीं। आदमी का यही है, लोगों को उसकी माँ का नाम मालूम था। अली ने आगे बताया कि माँ की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, पक्की बात। फिर उसने बात और आगे बढ़ाई और कहने लगा, माँ की आवाज बहुत दर्दीली थी, हीर गाती तो रुला दिया करती थी माँ। डोली चढ़ दिया मारिया हीर चिका, मैनू ले चले बाबला, ले चले वे। माँ का एक भाई था, होना चाहिए था, तो उसने अपना एक मामा सोचा, डकेत। अली ने माँ के उस भाई का नाम भी सोच लिया था, नासर, नासर डकेत। बड़ी दहशत थी उसकी, अली ने कहा वो उम्र कैद काट रहा है। खबरें अभी भी काट रहा है कि मर गया। अब वो अपनी उम्र के लड़कों को नासर डकेत के कारनामे सुनाने लगा था कि थाने में घुस के उसने किस किस तरह सरकारी घोड़ी खोल के हवा हो गया, ऐसे बरातें लूटी नासिर डकेत ने। कहीं से सुन सुना के अली ने एक गाना भी बना लिया, नासर मारिया हशियारपुर डाका, नासर मारिया, नासर मारिया हशियारपुर डाका, ते तारा खड़क गया नसरा हशियारपुरिया। और खबरें क्या क्या। हशियारपुर चौई साहब की बेबे का शहर था,
अली ने जॉय साहब को खुश करने को गाने में हशियारपुर डाल दिया था। बराबर की हवेली में जालंधर से आए हुए मुल्क मलिक लोग आ बसे थे, तो उन लड़कों को खुश करने को अली ने ये किया कि नाम डकैत का बदल कर उसको मलक नासिर कर दिया और कहानी सुनाई कि मलक नासिर ने ऐसे ऐसे कत्ल किए और डाके डाले। मलकों के लड़के कुछ खुश हुए और कुछ ने अली को गाली दी, उसे हरामी कहा। डकैत का मलकों में से होना उन्हें बहुत बुरा लगा। अली अब बड़ा हो गया था। उसने उसी दिन शाम को लड़कों को उनकी एक दूसरी टुकड़ी को ये कहानी सुनाई, नासिर डकैत जलंधर के मलकों की औरतों को खराब करके जेल गया है, बाहर आएगा तो लोग उसे मार देंगे। उसने ये भी कह दिया कि नासिर मेरा मामा है, जात का असल नस्ल गुज्जर है, मलक शलक कोई नहीं। मलकों के लड़कों ने अगले दिन पूरी नफरी इकट्ठा करके पिछवाड़े से हवेली पे इतने पत्थर बरसाए कि सिखों के जड़ाए हुए उधर के सब रंगीन शीशे टूट गए। चौई साहब को बात पता चली तो उसने पहली बार अली को जम के मार लगाई। नेक दिल मलकों ने आके बचाया नहीं तो 12 बरस के अली का खबर नहीं क्या हशर होता। इस वाकये के बाद अली होशियार हो गया। अब वो दो किस्म की कहानियां बनाने लगा। एक किस्म तो वो जिसमें उसने अपना खानदान फैलाया था, ये सब पक्के मजारे और टैके वाले लोग थे, जैसे उसका बाप बख्शा गुज्जर, फिर बाप का बाप बाबा चिट्टे शाह गुज्जर जो अल्लाह लोक आदमी था, फिर 6-8 चाचे मामे बढ़िया दहशतों वाले, साथ ही साथ 4 मासियां मामियां। ये औरतें लस्सियां रिड़कतियां तो उनके सोने के ठोस कंगन कुंद आवाजों में ठक ठक करते थे। कहानियों की ये किस्म सबको सुनाने के लिए थी। दूसरी कहानियां वो अपने लिए बनाता था, वो सुनाने के लिए नहीं होती थी। कुछ कहानियां तो बहुत गंदी होती थी, बाकी में वो अपने दुश्मनों की ऐसी तैसी करता था। तो ये सब वो अकेले में खुद को सुनाने लगा और खुश होने लगा। 15 साल का होके उसने 12 साल की एक लड़की अपनी कहानियों में डालनी शुरू कर दी, एक मासी की बेटी रेशमा जो अली के लिए लस्सी मक्खन और रोटी लाती। इन कहानियों में मामा नासिर समेत उसके बड़े बूढ़ों का ये फैसला था कि अली 16 बरस का हो जाए और रेशमा 13 की तो दोनों की शादी कर दी जाएगी। पर मुसीबत पड़ गई। वो सुनने वालों को बीच बीच में बताता कि मुसीबत ये पड़ गई कि चौई साहब बाबा बख्शे को और माँ रेमती को बहला फुसला के इधर निकाल लाया, रस्ते में वो दोनों मारे गए। जब भी से मैं लांती चौई साहब की अर्दल में फंसा हुआ हूं। लोग बताते हैं रेशमा उधर उदास रहती है जलंधर में। सुनने वालों को अली की इन कहानियों में झोल नजर आता तो वो कहते कि ओ चवला, चौई साहब होरी इधर 12-13 साल से है। लोग बोलते हैं तू इधर 2.5 बरस का आया था, फिर ये 15 बरस और रेशमा, ये सब क्या बकवास है। अली कभी हंस के उड़ाने की कोशिश करता, कभी कहता तुम नहीं समझोगे, ये चोट खाई हो ना दिल पे तब समझ आती है पागलो। और वो कहता था ठीक है, कोई पाबंदी तो नहीं, क्यों समझाऊं मैं सबको, नहीं समझते ना समझे, जाए अपनी बेबे के उस पर। उन कहानियों की भिनक भी चौई साहब को लग जाती तो अली को बड़ी मार पड़ती। चौई साहब बकवास भी करता जाता, पिटाई भी करता जाता, रामी तू गुनागार है, झूठ बोल के अपनी आकबत खराब करता है, लो दसो 18 बरस का होके इधर आया, बोलता है उधर कोई घरवाली भी है बॉर्डर के उस पासे, झूठा कज़ाब नैश। अली की घरवाली का नाम जाहिर है रेशमा था। लोग कहते हैं नामों में क्या रखा है, पर इस नाम रेशमा ने बड़ी पसूड़ी डाल दी। चौई साहब के बेटे असल बेटे की दुल्हन हवेली में आई तो बाहर सबको पता चला कि उसका नाम रेशमा है। सबसे मतलब अली के सिवा दूसरे सबको पता चल गया। अली को कौन बताता, कोई बता भी देता तो उसने कब परवाह करनी थी, बहुत करता तो बक देता नाम रेशमा है तो जाए अपनी बेबे के उसमें, लो जी महीने डेढ़ में चौई साहब के असल बेटे को किसी कुत्ते ने जा बताया कि अली अपनी मां का पुत्र गाने गाता है। भई रेशमा दा लक, रेशमा दा लक जानवर गाए, भई रेशमा दा लक,
कस के न मारी। अरे क्या क्या गाने मिलाता और बोलता रहता कि रेशमा है, उसका एक बेटा था, 2.5 बरस का होके मर गया। चौई लोग बहुत माल मवेशियों जमीनों वाले होते हो तो आपको पता है बड़ा गरमाइश वाला लहू होता है, बस समझो कयामत टूट पड़ी। अली को गढ़ में डाल के जिला अस्पताल ले जाना पड़ा, एक दिन एक रात फिर उसे होश आया। चौई साहब डीएसपी हकनवास को मिलने पहुंचा तो उसने बढ़िया गालियां निकाली कि तुझे तेरे बेटे को बहुत ही बदमाशी का शौक है तो दोनों को दिन के दिन जिले की हदें पार करा देता हूं, उधर बैठ के शौक पूरे करते रहना, समझा, यहां ये सब नहीं चलेगा। चौई साहब ने पग उतारी, मूछ नीची की और इलाज मुआलजे के और जाब्ते के हर्जे खर्चे को हर तरह आमादा हुआ, तब जाने दिया डीएसपी ने। बाद में पुलिस वाले ने उसे नरमी से ये भी समझाया कि चौई साहब कोई खुदा का खौफ करो, मैंने सुना है इस आदमी को उधर बहुत ही मारपीट की जाती है, भाई दिमागी अस्पताल में क्यों नहीं दाखिला करा देते, फातरुल अकल को इस तरह जदोकोब करना ठीक है? बिल्कुल नहीं, कानूनन भी और वैसे भी। चौई साहब ने वादा किया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके हुक्म की तामील करूंगा। खैर चौई साहब ने अस्पताल से ला के अली को भूसा रखने वाली कोठड़ी में बंद करा दिया, उधर ही उसका खाना पीना हाजत जरूरत का बंदोबस्त हो गया। वो वहीं से ऊंची आवाज में मां बहन करता रहता। किसी ने चौई साहब को समझाया कि थोड़ा सिंदूर दे दो, इसकी बकबक से भी जान छूट जाएगी, पर यह कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आवाज उसकी कम ही कम हवेली तक आ पाती थी। लो जी, कुछ दिन तो सबकी जान छुटकारे में रही। एक दिन कहीं से उसे माचिस मिल गई, उसने भूसे को आग लगा दी और मरते मरते बचा। मजबूरी में अब उसे दालान में टाट का पर्दा डाल के रखना पड़ा, एक तरफ से उसके पैर में, दूसरी तरफ से भारी पलंग के पाए में जंजीर डाल दी, क्योंकि रोकना जरूरी था वरना वो हवेली भर में धमाल डालता, कदकड़े लगाता फिरता। दूसरे सब मुतमईन तो हो गए, लेकिन स्वर की आवाज से आधी हवेली झुनझुनाती रहती। वही सब गाली गुफ्तार करता रहता या फिर अपनी कहानियां सुनाता था, माँ रहमती और बख्शे गुज्जर की, रेशमा और नासर की। सुनाने में जरा सा फर्क ये हुआ था कि नासर गुज्जर अब उसके मामू का नहीं बेटे का नाम था, मतलब रेशमा से उसने जो बेटा सोचा था उसका नाम। कोई पूछ बैठता कि अली तेरा नासर कितने साल का हो गया, तो कहता नासर अभी जमया नहीं है, थोड़ा टाइम बाकी है। उसी साल चौई साहब हजे बैतुल्ला को गया, वापस आया उसने तो बड़ी देगें खड़काई, जशन जुशन किए, जिसके अगले रोज हवेली में डाका पड़ गया। ये समझो सब चला गया, बदन के कपड़े रह गए या बैंकों में रखा हुआ पैसा, माल मवेशी जमीने, और बस डकैत लोग जैसे नंगा झाड़ के ले गए। साथ में हिजरत करके आने वाले हासदों मुर्दारों ने अलग शमातें दिखाई, 15 गांव इधर 15 गांव उधर, उड़ा दिया कि चौई साहब को हजरे अस्वद की बद्दुआ लगी है, अपने सल्ब के बेटे को हरामी बना के डाल रखा है, ये उसी करनी का फल है। चौई साहब तक ये बात पहुंची तो उसने बड़ा रौला डाला, अपनी सवाई में रहमती मुतवफिया पर जम गए, बोहतान लगाए। उस आरे के बराबर वाली बैठक में उसके साथ दसियों मर्द सोया करते थे, मुझे अकेले को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो कुत्तो। ये सब अली के इर्द गिर्द उसकी ला इल्मी में हो रहा था, या शायद वो इतना ला इल्म भी नहीं था। 15 गांव इधर 15 गांव उधर की बात उसके कानों में पड़ी थी कि चौई साहब अपनी सफाई में रहमती पर बोहतान बांध रहा है। बातें पहुंचाने वालों को उम्मीद नहीं थी कि उनकी बकबक ऐसी कड़वी फसल लाएगी, वो समझते थे थोड़ी सी खलबली मचेगी मजा आएगा, पर अली गुज्जर ने उस रात वो तूफान उठाया कि चौई साहब का बेटा, असल बेटा, अंदर से शॉट गन निकाल लाया, बोला इस हराम के को आज ही खत्म कर देना है। पर जी खत्म किसने करना था, ठुड्डी में हाथ दे के वास्ते दे दिला के चौई साहब ने अपने असली बेटे को वापस अंदर किया। बहुत दिन पहले सिंदूर खिलाने वाली बात जिस बंदे ने बुझाई थी, अब वही बोला कि चौई साहब कुछ करना जरूरी हो गया। चौई साहब ने हां में सर हिला दिया। उस दिन के बाद से उसके किस्से, कहानियां और गुफ्तारें बस उसी के लिए रह गई।
सारे ही वक्त वो छप्पर खट पे पड़ा, अपने लोगों से अंदर ही अंदर बातें करता, उन्हें चिल्लाया उठाया और बिठाया करता था। उसकी दाढ़ी मूछों और सर के बालों में अब सफेदी आ चुकी थी। आंखें जो रहमती की तरह खूब रोशन और बड़ी बड़ी होंगी, लगता था कुछ बुझ सी गई हैं या कहीं दूर देखने लगी हैं। उन्हीं दिनों चोई साहब ने फासले ही से मगर अली के साथ एक ताल्लुक सा पैदा कर लिया। नमाज की चौकी वो उस दालान में उठवा लाया। फिर कभी आते जाते उसके सरहाने वो ठहरने भी लगा, कभी पूछ भी लेता कि तूने रोटी खाई, पानी पिएगा अली? ये परेशानी की बात थी, चोई साहब ये सब क्यों कर रहा है? अली समझ गया कि ऐसा कुछ जरूर है जो चोई साहब छुप छुपा के उसके खिलाफ कर रहा है। फिर उसका सबूत भी 3-4 रोज में मिल गया। डाके की तफ्तीश के लिए पुलिस अहलकार आए, कुछ कागजों के बंडल और एक कड़ियल जवान को मुश्कें कस के साथ लाए थे। अली उस वक्त अपने छपर खट पे खड़ा पांव की जंजीर बजाता था जो ये लोग बराबर से गुजरे। ओ रब्बा, ओ मेरे रब्बा, रब्बा मेरे आ, अली ने अंदर ही अंदर चीख मारी। ओ देखो वो नासर को बांध के ले जा रहे हैं, अली गुजर के बेटे नासर को। वो पुराने खतों लिफाफों का बंडल भी ला रहे थे, ये वही खत थे जो रेशमा ने उधर से अली को लिखे थे। अलिया अब आके मैनू ले जा, खत नहीं थे, रेशमा ने फिराक में चीका मारियां सन ते खुशखबरियां पै गईयां सन कि अपने घर मुंडा होया है, नासर, नासर अपना। और ये सारियां चीका खुशखबरियां सारे खत उस लांती कुत्ते चोई साहब ने अपनी तिजोरी में छुपा के रखे थे, अली गुजर को दिखाए तक नहीं थे। अब ये डाके में बरामद हो रहे थे। कैसे लोग हैं ये, किस तरह के लोग हैं जो हीर को अपने दिलबर अपने माही से, बाप को अपने बेटे अपने खून से नहीं वो मिलने देते। अली गुजर जंजीर बजा बजा के रोता था, छाला प्या मारता था। फिर उसी वक्त एक अजीब सी बात हुई। नासर डाडे जवान ने मौला अली का नाम लिया, एक झटका मारा कि उसकी मुश्कें आजाद हो गईं। पुलिस वाले दौड़े, अली ने देखा कि वो नासर को घेरने की कोशिश करते हैं पर वो जवान का बच्चा हाथ नहीं आता। अली गुज्जर ने कह कहा मारा, नासर उसका बेटा छपर खट की तरफ आ रहा था, उसने बाप का हाथ पकड़ा, फूल की तरह उठा लिया, दोनों हवेली से बाहर चले। चौसा पुकारा, रोको इन्हें रोको, और जाओ कुतिया, ओ जालमा इधर, तू अब रुकना ही नहीं, नहीं रुकना, और क्या, किधर भी रह सकते हैं दोनों बाप बेटे, किधर भी टाइम पास कर सकते हैं, दाता दरबार में, रेलवे स्टेशन पे, किधर भी। अली बोला तो बस, अली ने अपने बेटे नासर डकैत का हाथ पकड़ा और दोनों बाप बेटे ऊंची आवाज में हंसते हौले हौले पक्की सड़क की तरफ चलने लगे। हंसी की आवाज सुनी तो चोई साहब जो सामने छपर खट में पड़े अली को उछल उछल के कहकहे मारते देख और सुन सकता था, चीखने लगा, गाली निकाल कर बोला, वो मर गए सारे ही, देख नहीं रहे मैं नमाज पढ़ रहे हैं, इस पागल दे बच्चे ने चुप क्यों नहीं कराते रामी। वाह, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट, इतनी जबरदस्त, थैंक यू। आपने हमें स्टोरी सुनाई, उसमें इतने लफ्ज थे जो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन वो अब मैं अम्मी अबू से पूछूंगा कि, क्योंकि वो भी देख रहे हैं लाइव उसको, कि यार मुझे समझा दो सही तरह पंजाबी, पंजाबी की हमारी भी यही काइंड ऑफ सिचुएशन है कि अम्मी अबू पंजाबी हैं और हम बीच में गोरे चिटे उर्दू बोलने वाले या पंजाबी समझने वाले हैं। और एक चीज थी जब आपसे सरमा साहब आपसे जब बात हुई थी कि ये कहानी क्या है, गुज्जर क्या है, मुझे पता ही नहीं था। मैं जाके अम्मी से पूछा, अम्मी गुज्जर क्या होता है, बाहर बैठे हुए थे अम्मी ने, गुज्जर गाय, मैं हम कि हमारे पास फार्म है तो हम फार्म बोलते, हमारे पास गाय है तो हम गाय से अब मैं गुज्जर बन गया हूँ। अम्मी हंसने लगी कि तुम पूछ क्या रहे हो मुझसे, कि हाँ ठीक है अब बोल सकते हो कि गाय है तो भाई गुज्जर हो आप। तो अब आपसे एक तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई धोती देखनी है उन्होंने। हाँ हाँ वो मैं दिखा देता हूँ, मैं उसको ठीक ठाक कर लूँ, मेरा पाँव सो गया है। और दूसरी वो मैं बात दिखा दूंगा, दिखा दूंगा आपको, ये कहानी और
इनका पता कैसे चला, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू दीस काइंड ऑफ स्टोरीज? एवरीथिंग्स नॉट ऑन इंस्टाग्राम एक्चुअली, सो या यू हैव टू गो फाइंड, इट वोंट शो अप इन योर स्टोरीज ऑलवेज. No, I mean, I think we've all become so consumed with, say, instant and a 2-minute sort of, you know, solution to everything. So I'll be honest, I don't know, just a trip to one of the bookshops. Actually, there's a bookstore called Readings in Lahore. And ek din main wahan gaya to ye badi maze maze ke is tarah ke bade minimalistic se kuch inke ye titles the. But there are about 6-7 books jo isi tarah. तो मैंने वहां से उठाई और मैंने वो जैसे बोला कि अपनी नालायकी के हाथों में बड़ा शर्मिंदा भी हुआ कि मुझे नहीं पता था असद मोहम्मद खान साहब इज लाइक अ लेजेंड इफ नॉट अ लेजेंड एंड अ हाफ. सो दैट्स हाउ आई फिगर्ड. फिर वही जब चीजें पढ़ी, आई डोंट नो अगर सुनने वालों को शौक है, एक बहुत मशहूर कहानी जो ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज में और उनकी रीडिंग में मौजूद है ऑनलाइन भी, वो है बासौदे की मरियम. वो असद मोहम्मद खान साहब की बहुत, मतलब लोगों के लिए जो फेमिलियर होगी शायद, तो दैट्स हाउ आई फाउंड वही बात. लेकिन मैं ख्याल है थोड़ी फिजिकल खिंच थ्रू करनी पड़ती है तब चीजें मिलती हैं. खाली मतलब वही गूगल सर्च इज नॉट सर्च. यू नो एज जैसे आप बोल रहे थे और जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे थे, इट वाज अभी मैंने, मुझे ज़िया मोहिउद्दीन साहब का पता भी नहीं था. आई वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड टू हिम because of the video that I showed before you, jo music video thi Ali Sethi ki, directed by Umar Riaz. He's actually done a beautiful film of Ziya Mohideen Saab and Faiz Ahmed Saab, A Lover. Absolutely. It's such a beautiful film, jo maine like pure ammi abbu ke saath bhi dekhi aur khud bhi dekhi, do teen dafa dekhi. And it's just so beautiful, the way he speaks, the way he tells the stories. And mujhe to iska pata hi nahi tha. Again, like, you know, like the ignorance of I think somehow that's what the journey is also, कि आप जरूरी नहीं है, एक वक्त की चीज होती है, हर चीज you know वक्त की कैद में होती है, जगह के हवाले से होती है, बट सबको जब ढूंढना होता है, मतलब वही होता है ना, जैसे हम एक छोटी सी जगह रन करते हैं, मैं और मेरी बहन, तो वहां हम थिएटर के हवाले से या परफॉर्मेंस लाइफ आज के हवाले से हम काम कर रहे, तो लोग कहते हैं हमें पता कैसे चले कि आप क्या कर रहे हैं. मैंने कहा भाईजान किम कार्डेशियन का तो मतलब ये भी पता है कि वो गुसल खाने किस वक्त जाती हैं. तो अगर आपको तमन्ना और तिश्नगी होगी तो आप जान लेंगे ऑनलाइन है, मतलब आई डोंट नो लाइक सब्सक्राइब टुंग टुंग पुंग पुंग डू ऑल ऑफ दैट, लाइक यू नो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट थिंग्स फिर तो सब पता चल जाता है. तो आजकल के दौर में जब कोई कहता है ना हमें पता नहीं है, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, फिर मुझे काफी गुस्सा आता है. हाँ देखिए बस अब तो देख ले, जो भी यहाँ पर है सब लोग जाना पता कर ले, ढूंढना पड़ता है, क्यों ढूंढना नहीं पड़ेगा, जुस्तजू क्यों नहीं करनी पड़ेगी. जब किसी चीज का शौक होगा तो उसके लिए क्यों थोड़ा सा उर्दू और अंग्रेजी दोनों वाला सफर क्यों नहीं करना पड़ेगा, मतलब हमें करना चाहिए, उसको वैल्यू करना चाहिए. 100% समय साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ दास्तान शेयर करी, हमारे पास आए, और you know it's been remarkable. So guys, before we kind of close off, I'm going to come back. I promised you guys a surprise. We do have a surprise for you. We're going to end with a performance from someone that you guys know, and you guys, oh, the dhoti abhi bhi request aa rahi hai, to main spotlight pe kar dun. गंडासा भी चाहिए, साथ गंडासा भी चाहिए. गंडासा इज ओवर, गंडासा इज नॉट रियल. सो कैन यू सी दिस इज अ यूसुफ बशीर कुरैशी धोती. आई हैव द सेम वन, आई वेयर द सेम वन. इट हैज नाइस पॉकेट्स ऑन द साइड आल्सो. यस, बिकॉज़ इवन आई कैन वेयर धोती, लेकिन मैं भी यूसुफ बशीर साहब की ही धोतियां पहनता हूं, एंड आई लव. नहीं, मुझे दूसरी वाली भी बांधनी आती है, ये वाली बस पड़ी हुई थी तो मैंने पहन ली, मुझे दूसरी धोती भी बांधनी आती है. You're not, but like his